हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, यहां पर सैमसंग काफ़ी सारी नई डिवाइसेस लेकर के आने वाला है इंडियन मार्केट के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। यहां पर आप सभी को मालूम होगा सैमसंग की एम सीरीज 28 फरवरी 2019 को रिलीज होने वाली है। बट इसके अलावा सैमसंग के और भी काफ़ी सारे स्मार्टफोन आने वाले हैं, स्पेशली सैमसंग की ए सीरीज में। और यहाँ पर सैमसंग की ए सीरीज में यहाँ पर एक स्मार्टफोन आज ही के दिन गीक बेंच पार्क्स पर स्पॉट हुआ, जिसका नाम है सैमसंग A20। यहाँ पर इसका नाम यही बताया जा रहा है। और ये जो स्मार्टफोन है ये एक्जिनोस 7885 के साथ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर एंड्रॉयड 9 है और ए प्रोसेसर इसका एक्जिनोस 7885 है, जो कि हमें A8 Plus सैमसंग के J7 Duo में देखने को मिला था। और यही प्रोसेसर हमें जो है सैमसंग के A7 2018 में भी देखने को मिला था। काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। यहाँ पर आपको 3 GB की रैम देखने को मिलेगी, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। हो सकता है यहाँ पर हमें एक और वेरिएंट देखने को मिले, जो कि 4 GB की रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। बट उसके रिगार्डिंग मतलब कोई भी कन्फर्म न्यूज़ नहीं आई है। यहाँ पर जो गीक बेंच मार्क से स्पॉट हुआ है वो 3 GB रैम वेरियंट वाला ही स्पॉट हुआ है। तो यहाँ पर 3 GB रैम का तो कन्फर्म्ड है। बट अच्छी बात यह है सैमसंग इस बार काफ़ी सारी डिवाइसेस लेकर का, बिकॉज यहाँ पर सैमसंग का जो 2018 है वो इतना अच्छा नहीं रहा है सैमसंग की मिड रेंज स्मार्टफोन के लिए। और यहाँ पर सैमसंग का 2018 में सिर्फ एक ही स्मार्टफोन जो काफ़ी ज़्यादा चला है वो है सैमसंग गैलेक्सी J6 Infinity, बिकॉज ऑफ द प्राइस रेंज। तो सैमसंग ने डिसाइड करा है कि इस बार जो है सैमसंग 10 से 15 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन लेकर के आएगा। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी कि इस बार जो प्रोसेसर यूज़ कर रहा है सैमसंग अपने मिड रेंज स्मार्टफोन में, या फिर हम कह सकते हैं बजट स्मार्टफोन में, वो है एक्जिनोस 7885। और ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर और काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर अगर हम कंपेयर करते हैं एक्जिनोस 7870 से, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पुराना प्रोसेसर है। सैमसंग 2016 में लाया था नया, और 2018 में भी हमें वही प्रोसेसर देखने को मिला था। तो 2019 में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर सैमसंग नया प्रोसेसर लेकर के आया है और इसको ही जो है एक्सटेंड करेगा आगे भी। बाकी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। वैसे अब आपको जो है सैमसंग की तरफ से एक्जिनोस 7870 प्रोसेसर किसी भी डिवाइस में देखने को नहीं मिलेगा, ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पर रूमर आ रहे हैं कि यहाँ पर आपको इन्फिनिटी ओड देखने को मिलेगी, ये बाकी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। यहाँ पर जो रूमर स्पेसिफिकेशन आ रहे हैं, यानी कि लीगो के जो स्पेसिफिकेशन मिले हैं जो मैंने फाइंड आउट करा, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, बट बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन होगा वो होगा 720p बिकॉज ऑफ सुपर एमोलेड। और ये डिवाइस जो है बजट स्मार्टफोन होने वाला है 10 से 15 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज के बीच का। और फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर इसके कैमरा के बारे में। तो यहाँ पर हमें जो है बताया जा रहा है कि 3 कैमराज बैक में देखने को मिलेंगे और सिंगल कैमरा आपको ऑफकोर्स फ्रंट में देखने को मिलेगा। 3 कैमरा दे रहा है आप सैमसंग अपने बजट स्मार्टफोन में, तो देखते हैं क्या लेकर आता है। टेलीस्कोप तो होगा नहीं, अल्ट्रा वाइड कैमरा ही आई थिंक मिलेगा हमें सैमसंग की डिवाइसेस में। सो यही था आज के इस वीडियो में। अगर वीडियो चले लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।